हेलो भाई लोग, एफ डी हियर है ना, आप लोगों का स्वागत है एक और माइनक्राफ्ट जावा एडिशन की वीडियो के अंदर। एंड गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक न्यू सर्वाइवल सीरीज अपनी माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के अंदर, पोजा लॉन्चर के अंदर। एंड सबसे पहले मैं यहाँ से न्यू वर्ल्ड बना लेता हूँ। एंड गाइस, मैंने काफ़ी सारे वर्ल्ड यहाँ पे बना रखे हैं एंड मैंने ओल्ड भी काफ़ी सारी यहाँ पे सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, बट किसी ना किसी रीज़न से वो ख़त्म हो गई और मुझे उन्हें हटाना पड़ा। बट इस बार जो मैं सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, ये मैं इतनी जल्दी नहीं हटाने वाला हूँ एंड इसको हम यार लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो गाइस, मैं यहाँ पर अपने वर्ल्ड का नेम रख देता हूँ। तो न्यू जर्नी तो यार मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर एकदम अच्छा वाला नाम रख के फिर आपको दिखाता हूँ। आई थिंक गाइस ये वाला नाम एकदम परफेक्ट रहेगा यहाँ पर हमारा वर्ल्ड सर्वाइवल में। चलो यार वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। तो ओके गाइस, अभी हमारा वर्ल्ड यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है एंड यार काफ़ी अच्छा सा स्पॉन मुझे लग रहा है यहाँ पे प्लेन्स बायोम के अंदर। एंड काफ़ी ज़्यादा लैग भी हो रहा है अभी स्टार्टिंग में। चलो यार यहाँ पे सबसे पहले पेड़ भी हैं, तो यहाँ से सबसे पहले वुड कलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद यार अपने टूल्स वगैरह बनाते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो गाइस यहाँ से वुड तो आ गई, सबसे पहले यहाँ पर अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं एंड थोड़े से अपने वुड गन के टूल्स बना लेते हैं यहाँ से। तो ये बन गई गाइस हमारी यहाँ से एक्स और ये बन गई हमारी पिकएक्स। तो गाइस सामने ही मुझे स्टोन भी दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से सबसे पहले स्टोन कलेक्ट करते हैं एंड अपने टूल्स को अपग्रेड कर लेते हैं यहाँ पे स्टोन के अंदर। A few moments later. तो गाइस ये हो गई मेरी यहाँ पर स्टोन की एक्स और पिकएक्स यहाँ पे बनके तैयार। और अभी यहाँ पर थोड़ा सा खाना कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे गाइस हम लोग अपनी आयरन माइनिंग पे, क्योंकि गाइस आज मुझे अपने लिए फुल आयरन का आर्मर बनाना है एंड साथ ही में एक अपना घर भी बनाना है ताकि यार हम लोग आराम से यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ से थोड़ी सी बकरियाँ इन्हें मार लेते हैं एंड साथ में हमें वूल भी मिल जाएगी। तो गाइस काफ़ी सारी शीप्स मर चुकी हैं एंड काफ़ी सारा खाना मेरे पास आ चुका है एंड अभी यार मुझे यहाँ पर एक केव ढूंढनी होगी ताकि मैं जल्दी से यहाँ पर अपने लिए एक आयरन का आर्मर बना सकूँ। तो यहाँ पर आसपास ही यहाँ पर देख सकते हो एक केव मिल चुकी है। सबसे पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा कोल स्टोन कलेक्ट करके एक फर्नेस बनाता हूँ एंड अपने खाने को कुक कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा कोल भी मैं अंदर से कलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ज़रूर होगा। तो गाइस अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार इस तरीके की वीडियोज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। चलो यार फिर आगे का अपना काम कंटिन्यू करते हैं। ओ भाई साहब यार मैं कंटिन्यू को कंटिन्यू बोल रहा हूँ, भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, वीडियो का कबाड़ा कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर मैंने फर्नेस बना लिया अपना खाना यहाँ पे कुक करने के लिए मैं लगा देता हूँ एंड थोड़ा सा कोल भी मैं अंदर से कलेक्ट करके ले आता हूँ। तो ये रहा कोल, यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं इसे। तो गाइस मैंने यहाँ पर अभी कोल अपने फर्नेस में डाल दिया है एंड अभी हमारा खाना यहाँ पे पक रहा है, तब तक मैं जाके नीचे से थोड़ा और कोल ले आता हूँ एंड साथ ही मैं थोड़ा सा आयरन ढूंढने की भी कोशिश करूँगा मैं। तो गाइस अभी मेरा यहाँ पे सारा का सारा खाना कुक हो चुका है, तो मैं यहाँ पर अभी अपनी माइनिंग स्टार्ट करता हूँ एंड कोल और आयरन को यहाँ से सबसे पहले कलेक्ट कर लेता हूँ। भाई साहब यार इन जॉम्बी लोग को चैन नहीं है यार, ठीक से आयरन भी एक बंदा कलेक्ट नहीं कर सकता। देख सकते हो यार चार चार आ चुके हैं यहाँ पे इन सब की। मैं अभी नैया पाल लगाता हूँ तुम्हारी, रुको तो मैं बताता हूँ भाई, अभी मैं एक एक करके सबको टपकाऊंगा। भाई एक्स है मेरे पास अभी, तो तू भी निकल भाई, ये होगा चारों जॉम्बीज का काम तमाम। एंड मैं साथ साथ थोड़ी सी टॉर्चेस भी लगाता जाता हूँ एंड जल्दी से मैं यहाँ पे आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ। A few inches later. तो गाइस मैंने यहाँ से काफ़ी सारा आयरन कलेक्ट कर लिया है, अभी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अपने लिए एक आयरन की चेस्ट प्लेट। तो ये गई हमारी चेस्ट प्लेट एंड यहाँ से बना लेता हूँ बूट्स और थोड़ा और आयरन कलेक्ट करने के बाद हमारा आयरन का आर्मर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस मैं यहाँ से एक आयरन की स्वॉर्ड भी बना लेता हूँ, तो यार थोड़ी और ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगी एंड मुझे ऐसा लग रहा है यार बाहर से थोड़े से जॉम्बी आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से सबसे पहले अपना आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ एंड मुझे ऐसा लग रहा है बाहर से एक जॉम्बी आ रहा है और ये आ चुका है यहाँ पे, इसको अभी बताता हूँ। भाई दो दो आ गए, तो अब तो भाई आयरन की स्वॉर्ड है दोनों को गंदा वाला पीटूंगा, निकल लो भाई तुम्हारी पूरी बिरादरी ख़त्म कर दूंगा भाई, निकल लो यहाँ से। चलो यार अभी थोड़ा सा आयरन यहाँ पे स्मेल्ट हो रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना आयरन का आर्मर कंप्लीट करता हूँ। तो गाइस चलो यहाँ से एक पिकेक्स भी बना लेते हैं, हमारे डायमंड अगर आगे मिल गए तो यार ये हमारी माइन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगी एंड शायद इस आयरन से मेरा आर्मर भी बन जाएगा। तो गाइस आयरन थोड़ा कम पड़ रहा है, तो यहाँ से अपना मोरी अब इससे समेट लेते हैं एंड बाहर जाके थोड़ा सा आयरन कलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद यार अपना आयरन का आर्मर कम्प्लीट करते हैं। तो गाइस यहाँ केव के बाहर तो पूरी रात हो चुकी है एंड मैंने यार यहाँ पर पूरी की पूरी केव एक्सप्लोर कर ली। और भाई तू कहाँ से आ गया, तू पिटेगा सबसे पहले कंकाल। चलो भाई इसका तो काम तमाम हो चुका है, थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, एचपी कम कर दी बेचारे ने। चलो अब यहाँ पर अपना आयरन कलेक्ट करके अपना आर्मर कंप्लीट करता हूँ।
तो गाइस मैंने यहाँ से थोड़ा सा और आयरन कलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ पर अभी फर्नेस में डालते हैं स्मेल्टिंग के लिए। एंड मैं यहाँ से अपने लिए एक बेड बना लेता हूँ। बट यार मेरे पास वूल तो है बट मेरे पास यहाँ पर वुड ही नहीं है, लगता है मुझे बाहर जाके लानी पड़ेगी। चलो यार बाहर से मैं सबसे पहले वुड ले आता हूँ एंड इस जगह को भी मैं थोड़ा सा सेफ कर देता हूँ। भाई साहब यार थोड़ी सी वुड लेने के लिए मुझे इतनी दूर तक आना पड़ा पूरी केव के बाहर। चलो यहाँ से वुड कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर चलते हैं अपना आयरन का आर्मर कम्प्लीट करते हैं। तो गाइस ये बना ली मैंने यहाँ से थोड़े से वुड के प्लैंक एंड अब मैं यहाँ से बना सकता हूँ अपना बेड ताकि मैं यहाँ पर सो सकूँ। और ये बन गया यार हमारा बेड और ये आ चुका है यार हमारी रेसिपी भी अनलॉक हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आयरन निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पर अपना एक हेलमेट बनाते हैं एंड साथ ही में अभी लेगिंग्स भी बना लेते हैं। तो बस ये लास्ट आयरन जल्दी से स्मेल्ट हो जाए और ये हो चुका है यार हमारा आयरन स्मेल्ट और 9 आयरन से यहाँ पर हमारी लेगिंग्स बन जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं और उसी के साथ हमारा हो जाएगा आयरन का आर्मर कंप्लीट। तो ये बन गई यार हमारी लेगिंग्स। अभी इन दोनों को इक्विप भी कर लेता हूँ मैं। तो ये मैं लगा लेता हूँ अपनी लेगिंग्स इधर और अपना हेलमेट अभी सर पर पहन लेते हैं। और भाई देखो स्केलेटन ने मेरे कितने सारे यार तीर घुसे रखे अंदर। चलो यार हमारा आयरन का आर्मर कंप्लीट हो चुका है, हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अभी हमारा दूसरा टास्क है घर बनाना। तो अभी मैं यहाँ से इस केव से बाहर निकलने वाला हूँ एंड अपने घर बनाने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढने वाला हूँ। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर केव से तो बाहर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर यार अभी भी प्लेन्स बायोम है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना घर बनाने के लिए एक अच्छी सी प्लेन जगह ढूंढता हूँ एंड उसके बाद मैं आप लोगों को मिलता हूँ। तो गाइस बचे कुचे आयरन से मैंने यहाँ पर एक बकेट भी बना ली है। तो यार ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल आइटम है माइनक्राफ्ट की, तो इसमें पानी भी भर लेते हैं एंड उसके बाद यार हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ पर अपनी MLG भी मार सकते हैं। वैसे तो यार मैं इतना प्रो हूँ नहीं जो MLG मेरी लग जाए, पर कोई बात नहीं अभी यहाँ पर जगह ढूंढते हैं। गाइज वहाँ पर आगे मुझे ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर तो एक लावा पूल मिल चुका है मुझे। चलो यार ये जगह यहाँ पर मुझे अच्छी लग रही है, यहाँ पर हम बाद में नेदर पोर्टल भी बना सकते हैं। तो मैं इसके आसपास ही अपना घर बना लेता हूँ यहाँ पर। वैसे तो मुझे कोई विलेज वगैरह तो मिला नहीं, पर कोई बात नहीं हम इसके आसपास ही अपना घर बनाएंगे। तो गाइस घर बनाने के लिए ये एरिया एकदम अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ वाटर डाल के और इन सारी घास को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एंड यहाँ पे आप लोग को सामने थोड़े से शुगर केन भी दिख रहे होंगे तो इन्हें भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस अभी अपना घर बनाने के लिए मुझे यहाँ पर इस एरिया को क्लीन करना पड़ेगा। साथ ही मुझे बहुत सारी वुड की ज़रूरत पड़ने वाली है एंड साथ ही में कोबल स्टोन की भी, क्योंकि यार अभी मेरे पास इतनी अच्छी टूल्स तो है नहीं कि मैं डायमंड के घर बना सकूँ। तो अभी के लिए मुझे यहाँ पर कोबल स्टोन और वुड का घर बनाना पड़ेगा। तो चलो यार मैं जाके सारा का सारा मटीरियल कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस ऑल डन, यहाँ पे मैंने सारा का सारा एरिया क्लीन कर दिया एंड बीच का काफ़ी सारा पार्ट मैंने कट कर दिया है क्योंकि यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी। एंड मैं यहाँ पे सबसे पहले पहली बार अपने वर्ल्ड में सो जाता हूँ एंड सुबह को उठते ही हम लोग अपने घर पे काम शुरू कर देंगे एंड अपना घर बनाएंगे। सामने का एरिया मुझे थोड़ा बहुत और क्लियर करना है एंड उसके बाद यहाँ पर अपना घर बना लूँगा मैं। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर घर बनाने के लिए बहुत सारी वुड कलेक्ट करने के लिए आया हूँ एंड मैं यहाँ से सारी की सारी वुड कलेक्ट कर लेता हूँ एंड सारा का सारा मटेरियल कलेक्ट करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर काफ़ी सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया एंड अभी मैं यहाँ पर अपना घर बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं अपने घर का सबसे पहले यहाँ पर एक बेस बना देता हूँ। A few moments later. तो गाइस अभी मेरे घर का बेस बन के तैयार है एंड मैं अभी आप लोगों को मिलूंगा पूरा घर बनाने के बाद। तो चलो गाइस मैं आपको मिलता हूँ पूरा घर बनाने के बाद। तो गाइस हमारा घर अभी बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुका है एंड मैं आप लोगों को अभी बस दिखाने वाला हूँ। तो 3, 2, 1 और ये देखो गाइस हमारा घर एकदम OP वाला, देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाने की मैंने इसको कोशिश की है एंड जितना भी मेरा दिमाग था वो सारा का सारा मैंने इसके अंदर लगा के इसको जितना हो सके उतना डिटेल देने की भी कोशिश की है। एंड फिलहाल यार अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ मटेरियल था नहीं इसलिए मैंने एक सिंपल सा घर बना दिया। वैसे गाइस मुझे तो ये वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में जाके ज़रूर से बताना। एंड भाई इसमें मैंने इतने सारे ग्लास ठूसे हैं भाई गिन नहीं सकता भाई इसमें कोई, मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्लास इसका भी यूज़ किया है ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छा लगे। एंड मैंने यहाँ पर एक जगह छोड़ दी है तो चलो यार इसको मैं बाद में कंप्लीट कर दूंगा इनकम्प्लीट घर। चलो यार कोई बात नहीं मैं आपको अभी अंदर से घर दिखाता हूँ एंड बाहर से मैंने आपको पूरा टूर दिखा दिया। ये आगे गाइस हमारा डोर, यहाँ से हम सीधे अंदर एंटर कर सकते हैं एंड आपको सामने दिखेगा हमारा बेडरूम। ऊपर मैंने एक लैंटर्न लगा दी क्योंकि मैं गरीब हूँ अभी मेरे पास आयरन नहीं है। सामने हमारा बेडरूम है और इस तरफ यार हमारा स्टोरेज सिस्टम एक छोटा सा एंड इधर हम मैंने काफ़ी सारे फर्नेस भी लगा रखे हैं एंड आप यहाँ पे फ्लोर भी देख सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।